फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरे साथ सर्दियों में गोरा होने की गजब की क्रीम को बनाने का तरीका और उसका असर जान लीजिए आज इस वीडियो के जरिए। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कोई ऐसी क्रीम बताएं जो सर्दियों में हमें गोरा कर दे, नेचुरल क्रीम हम घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं गोरे होने की, क्योंकि मार्केट में मिलने वाली क्रीम ऐसी होती है जो हमें गोरा तो कर देती है दो दिन में, लेकिन सिर्फ तब तक उनका असर आता है जब तक हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो आपको मैं गोरा होने की आज क्रीम बता रही हूँ और उसका तरीका है और वो आपके ऊपर ऐसा असर करेगी कि आपका स्किन लंबे समय तक गोरा और निखरा हुआ और बेदाग हो जाएगा, साथ ही साथ आपकी झुर्रियां बहुत दूर भाग जाएंगी। जी हाँ, आज आपको मैं ऐसी ही रेमेडी बताने वाली हूँ, ऐसी ही होममेड क्रीम बताऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इस क्रीम का इस्तेमाल लड़के हैं या लड़की कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी गोरी निखरी बेदाग त्वचा पा सकता है। इसके लिए हमें जरूरत है चावल के आटे की। चावल का आटा कैसे तैयार करना है वो मैं बता देती हूँ। एक कांच की कटोरी में भर कर चावल ले लीजिए और उसको अच्छे से धो लीजिए। जब उसकी सारी डस्ट और इम्प्योरिटीज निकल जाए उसके बाद आप उसको मिक्सी में पीस लीजिए। वो आपका गाढ़ा और चिपचिपा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसमें आपको क्या मिक्स करना है? आपको मिक्स करना है इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल, साथ में इसमें हमें ऐड करना है 3 कैप्सूल हमें विटामिन ई के लेने हैं, 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, साथ में ही हमें 2 चम्मच इसमें ग्लिसरीन के डालने हैं। इनको अच्छे से मिक्स करके आप किसी कांच की शीशी में स्टोर कर लीजिए और आपकी गोरे होने की क्रीम बनकर तैयार है। ये आपको इतना गोरा कर देगी जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। इसका इस्तेमाल आपको सोने से पहले करना है। मैं गारंटी देती हूँ ये आपकी होममेड क्रीम आपका रंग, आपकी स्किन, आपके दाग धब्बे, आपकी झुर्रियां इतना दूर कर देगी कि आप अपने आप को खुद नहीं पहचान पाएंगे। आपकी स्किन को लाइटन एंड ब्राइटन करेगी। फ्रेंड्स, चावल के आटे में पारा एमिनो जेनिक एसिड पाया जाता है जो सूरज की किरणों से हमारी रक्षा करता है। जी हाँ, इसमें अल्ट्रोइन होता है जो सूरज से हमारी स्किन जो झुलस चुकी है उसे हमें ठीक करता है, यानी हमारी सारी टैनिंग को दूर कर देता है। इसमें त्रायनस होता है जो त्वचा में मेलेन को बनने से रोकता है। मेलेन एक ऐसा केमिकल है जो बाहर की डस्ट और पोल्यूशन से हमारी स्किन को खराब करता है। अगर हमारा रंग गोरा है या थोड़ा सांवला है तो हमें वो बिल्कुल काला कर देगा, क्योंकि हमारी स्किन में मेलेन की मात्रा बढ़ जाती है, उसको बढ़ने से ये रोकता है। साथ ही साथ चावल हमारी स्किन को जितने भी लचीलापन आ गया है, झुर्रियां आ गई हैं, उनको खत्म करके हमारी त्वचा को नई कोशिकाएं प्रदान करता है। आपकी स्किन बहुत टाइटन और ब्राइटन होने वाली है। ये बहुत ही बेहतरीन क्रीम है जिसका इस्तेमाल मैं खुद रात को सोने से पहले करती हूँ, तो इसको आजमाइए। साथ ही मैंने इस्तेमाल किया है इसमें ग्लिसरीन का जो आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। सर्दियों में आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, क्योंकि अगर हमारी स्किन ड्राई हो तो उस पे झुर्रियां जल्दी आती हैं। एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करा है, ये आपके पिंपल प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। इसमें मैंने इस्तेमाल करा है विटामिन ई कैप्सूल का। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए इतना जरूरी है, जैसे हम खाना पानी पीना जरूरी है, वैसे हमारी स्किन के लिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। विटामिन ई की कमी के कारण ही हमारी स्किन डे बाय डे डार्क होती रहती है, झुर्रियां आती रहती हैं, डल होती जाती है और बेजान हो जाती है। तो ये जो मैंने सारी चीजें मिलाई हैं ये बहुत घरेलू नुस्खा है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये रेमेडी बहुत नई है, मैंने इस्तेमाल करती हूँ रोज तो ही आपसे शेयर किया है। बेहतरीन क्रीम है, आपको अगर रोज अपने चेहरे पर लगानी है, सर्दियों में आप चाहते हैं आपकी स्किन डे बाय डे निखरती जाए, तो प्लीज इसका इस्तेमाल करें। मार्केट में मिलने वाली क्रीम या कोई भी आप चीज लगाएंगे टेम्परेरी असर करती है, उसके बाद आपकी स्किन वैसे की वैसी हो जाती है। मेरे कहने पर इसका इस्तेमाल करें कुछ दिन, उसके बाद इसका असर जो आपकी स्किन पर है मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। एक बार ट्रस्ट जरूर करके देखेगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को उम्मीद करती हूँ बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, दिल से शेयर करेगा, दिल से अपनी रेमेडी मैंने आपसे शेयर करी है और आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।